यमुनानगर के कनालसी गांव में यमुना पर बने पुल को तोड़ने की प्रशासन की टीम का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध करते हुए जमकर बवाल काटा। लोगों के हाथ में पत्थर और उनके गुस्से को देखते हुए प्रशासन की टीम बैरंग लौट गई। ग्रामीणों ने पूर्व विधायक दिलबाग सिंह पर भी अवैध माइनिंग के आरोप लगाए। दिन रात यमुना का सीना चीर कर रेत और बजरी निकाल रहे खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विभागीय अधिकारियों की टीम कनालसी गांव में भेजी गई थी। टीम की भनक लगते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण यमुना नदी के तट पर जमा होने लगे और वहां पर टीम को लौटने के लिए मजबूर कर दिया। दो ठेकेदारों की आपसी रंजिश है, दिलबाग बदवा जो ये कनालसी का घाटा है, ये कुलविंदर एंड कंपनी का है। आज से दो महीने पहले भी दिलबाग के गुरुओं ने और पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन के साथ मिलकर सोम नदी का पुल जो किसानों के लिए रास्ता बनाया था, जो आम रास्ता है, वो भी इसने खनन माफिया ने जो जमुना से परली तरफ खनन कर रहे हैं, बदवा दिलबाग सिंह और एक्शन कामबोज इसका सिंचाई विभाग का जो एक्शन है, उसने पुलिस फोर्स साथ लेकर और हमारे किसानों का जो रास्ता था वो बुरी तरह से तोड़ दिया, जो कि आज तक किसान परेशान है। एक रास्ता और किसान अपना छोटा मोटा बनाने के लिए शुरू हुए थे, वो भी आज प्रशासन के साथ मिलकर एक्शन है जी। कौन से विभाग का है मैं नहीं जानता, मैं अनपढ़ किसान हूँ। इसने पुलिस फोर्स अपने साथ लेकर उस पुल को भी तहस नहस कर दिया, जबकि इसकी बगल में ही इससे 4 किलो के ऊपर टप्पू माजरी का घाट बनाया हुआ है दिलबाग सिंह का, MLA का। उस पर बदवाजी है जो ये काम कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, अवैध माइनिंग कर रहे हैं जी, क्योंकि कनालसी घाट जो है वैध में और जो ये टप्पू माजरी में और बीट टप्पू वगैरह में लग रहे जी, अवैध माइनिंग कर रहे हैं जी दिलबाग सिंह जी, और अपनी दबंगाई इतनी दिखाते हैं कि पुलिस फोर्स को भेज कर और हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाते। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पहली बात भी और जी, हमने ये आस नहीं थी कि हमारे जो स्थानीय MLA या स्पीकर साहब हैं हमें ऐसा रोते देखते, और हम सज्जब की है BJP के साथ, पूरा गांव A to Z BJP के साथ लगाया है, और एक इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने हमारे को बिल्कुल तहस नहस कर दिया और हमारी फसल भी बर्बाद हो चुकी है। और आज फिर इन्होंने दोबारा फिर वैसे ही एक दूसरा एक्शन आया जी, कौन से भी विभाग का ये भी नहीं बताने के लिए तैयार, और हमको कोई अपना ऑर्डर भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है, और हमसे कहता है या तो यहाँ से चले जाओ और नहीं तुम्हारी बनाई कर देंगे और पिटाई करवा देंगे। ये जी सिंचाई विभाग का जो एक्शन है ये हमें दबंगाई देता है और हमें खींचता है जी और हमें धक्के देता है जी। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, YES TV। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए YES TV के साथ।